स्थानीय स्वागत भवन परिसर में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय रीवा द्वारा आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी के दिवस धनतेरस के उपलक्ष्य में चतुर्थ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते निःशुल्क विशाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि ज्यादातर मरीज वात रोग के हैं। प्रस्तुत है शिविर प्रभारी डॉक्टर विकास खरे से जानकारी के अंश। शिविर का आयोजन किया गया है सर, आज ये कहाँ शिविर का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? स्वागत भवन में जो है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है, और इसमें सभी प्रकार की बीमारियों का हम लोग देख रहे हैं। ये जनरल कैंप है एक तरीके से, और अभी तक 100 से 150 मरीज को हम लोग ने परीक्षण कर चुके हैं, और साथ में यहाँ पे दवाई वितरण भी हो रही है, और इसके साथ में यहाँ पे खून की जांच भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज एक कैंप के थ्रू ऑर्गेनाइज करके कर रहे हैं। ये कितने से तक चलेगा सर? ये कैंप हम लोग 4 बजे तक के लिए रखा गया है, और फिर डिपेंड करता है कि मरीज और कितने किस हिसाब से आ रहे हैं। अगर मरीज आते हैं तो हम इस कैंप को और भी आगे एक्सटेंड करेंगे। किन किन बीमारियों का चेकअप किया जा रहा है यहाँ पर? हम लोग एक्चुअली जो अभी तक जो पेशेंट आए हैं, बहुत सारे वात रोग के मरीज हैं, और जनरल बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं, तो लेकिन मुख्यतर जो है वो वात रोग के मरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। शुभ नाम सर आपका? मैं डॉक्टर विकास खरे कैंप का प्रभारी हूँ इस समय यहाँ पर।